हेलो फ्रेंड्स, जूली किचन हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे रोस्टेड कॉर्न की रेसिपी, जिसको हम अगर गांव के लैंग्वेज में बोले तो भुट्टा पकाना की पकाना बोल सकते हैं। तो आज हम घर में इस भुट्टे को पकाएंगे। तो हम मैंने यहां पर 1 kg भुट्टा लिया है। ये बिल्कुल फ्रेश भुट्टा है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ना तो छोटा ज़्यादा है ना तो बहुत बड़ा है। तो फटाफट हम इस भुट्टे को बिना उबाले हुए पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर दिया है और यहाँ पर एक छोटा सा जाल रखा है भुट्टा पकाने के लिए। और अब हम रख देंगे यहाँ पर भुट्टे को। तो अच्छे से रख देते हैं इसको पकने के लिए। गैस का फ्लेम हम हाई ही रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसको हम पका लेते हैं। और इसको हम बीच बीच में पलटते रहेंगे ताकि ये चारों साइड से अच्छे से पक सके। तो इसको हर आधे मिनट में पलटते रहेंगे। तो यहाँ पर एक साइड से थोड़ा सा पक चुका है, भुट्टे से फटफट की आवाज़ भी आ रही है। तो मैं दूसरी साइड इसको पलट लेती हूँ आराम से। और इसी तरीके से इसको अच्छे से चारों साइड से हम पका लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने भुट्टे को अच्छे से पका लिया है चारों साइड से। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टोटल 3 भुट्टा पकाया है और ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो अब मैं इसको फटाफट सर्व कर लेती हूँ। गैस को बंद कर दिया है मैंने। तो यहाँ पर ये भुट्टा नींबू, ग्रीन चिली एंड नमक के साथ सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। जैसे हम गांव में खाते हैं ना नींबू, नमक, मिर्ची के साथ, वैसे ही ये बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें फटाफट नमक नींबू लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नमक नींबू लगा लेती हूँ भुट्टे में। तो एक नींबू के स्लाइसेस को उठाएंगे, नमक में डिप करेंगे और इसको निचोड़ते हुए हम भुट्टे में अच्छे से नींबू नमक को लगा लेते हैं। तो ये हमारा गर्मा गर्म मज़ेदार चटपटा भुट्टा बनकर रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। तो आप इस भुट्टे की रेसिपी को ऐसे ही बनाइए घर में, इंजॉय कीजिए भुट्टे के साथ। और अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।